कांग्रेस नेता सिद्धरमैया आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 13 मई को विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद 5 दिनों तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री चुनने की कवायद चली थी। सिद्धरमैया और शिव कुमार के बीच चली जंग में बाजी सिद्धि के हाथ लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जहां सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वहीं उनके साथ डी के शिव कुमार भी शपथ लेंगे, जो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को दिल्ली लौटे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC के महासचिव KC वेणुगोपाल ने गुरुवार को कहा था कि मंत्रियों के एक समूह के साथ CM और डिप्टी CM शपथ लेंगे। दोनों नेताओं ने कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ गहन मंथन किया। इंडियन एक्सप्रेस ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया कि CM डिप्टी CM के साथ 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। पार्टी अब सरकार गठन में देरी नहीं करना चाहती है। सूचियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आलाकमान द्वारा इसे मंजूरी दी जाएगी। बाद में शामिल करने के लिए लगभग 4 कैबिनेट वर्ग खाली रखी जा सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। सिद्धरमैया कुरवा और शिव कुमार गोकालिका समुदाय से आते हैं। सिद्धरमैया शिव कुमार ने 10 जनपद पहुंचकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया। बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस सिद्धरमैया शिव कुमार खेमे में विभाजित है, इसलिए मंत्रिमंडल गठन के दौरान पार्टी आलाकमान जाति, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और योग्यता के आधार पर दोनों नेताओं द्वारा मंत्रियों के लिए प्रस्तावित उम्मीदवारों का फैसला करेगा। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार 30 महीने के बाद शिव कुमार को सिद्धरमैया से CM की कमान मिलने की उम्मीद है। 224 सदस्यीय विधानमंडल के लिए हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती और पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मंत्रियों पर निर्णय उन समुदायों पर आधारित होने का आह्वान किया जिन्होंने चुनावों में इनका पुरजोर समर्थन किया। हालांकि मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए कई विधायकों की जोरदार पैरवी हो रही है। शिव कुमार का कहना है कि सरकार बनने के साथ ही 5 गारंटी पर काम शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक दल की गुरुवार को हुई बैठक में सिद्धरमैया को औपचारिक रूप से नेता चुन लिया गया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था। सिद्धरमैया शिव कुमार आज बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे कुछ मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं। सिद्धरमैया के सामने पहली चुनौती सही संतुलन के साथ मंत्रिमंडल के गठन की होगी, जिसमें सभी समुदायों, धर्म, वर्गों, प्राणी तथा नई पीढ़ी के विधायकों का प्रतिनिधित्व हो। कर्नाटक मंत्रिमंडल में मंत्रियों की सूची संख्या 34 है और अनेक विधायक मंत्री पद की आकांक्षा रखते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सिद्धरमैया के शपथ समारोह में विपक्ष की एकता का प्रदर्शन किया जाना तय है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री NK स्टालिन, NCP प्रमुख शरद पवार समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गैर भाजपाई खेमे के लिए एकजुटता दिखाने का एक मौका होगा। भले ही सबसे पुरानी पार्टी अगले साल होने वाले चुनाव से पहले विपक्षी एकता को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस शपथ समारोह में शामिल नहीं होंगी। हालांकि उनकी पार्टी का इस कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन कांग्रेस उनकी अनुपस्थिति को निरुत्साहित करने के तौर पर देख रही है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कुमार के अलावा जिन लोगों ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है, उसमें स्टालिन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं। केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को आमंत्रित नहीं करने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कदम उसकी अपरिपक्व राजनीति और कमजोरी को दर्शाता है।